सर यहाँ पे देखना। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल जसलीन एंड शिवर एंटरटेनमेंट ग्रो करता रहे। ऑल माय बेस्ट विशेस टुडे। यहाँ पर सोने पे सुहा ये हुआ कि राखी मिल गई, राखी मिल चाह मिलती है, बहुत मजा आता है। एंड अभी भी पता चला कि शी इज इन लव अगेन, तो उसके थोड़ी मस्ती की, अब अंदर जाके और ढेर सारी मस्ती करूँगी। वैसे तो बर्थडे काफ़ी स्पेशल होते ही हैं। आज जसलीन जी का बर्थडे, वो आपके लिए कितना स्पेशल है क्योंकि आपके लिए वो हैंडल भी करते हैं, आपके हर चीज़ में आपका साथ भी देते हैं, निभाते रहते हैं। जसलीन का बर्थडे बहुत ही स्पेशल है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही उनसे मिला, उन्हें इतना नहीं जानता हूँ। बर्थडेज यार, जन्मदिन हर किसी के लिए एक खुशियों वाला मौका होता है और खुशियाँ बांटना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आफ्टर वी बीन थ्रो मच, दो साल शायद हम यही वक्त था जब हम बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि हर साल इस टाइम पे ही लॉकडाउन आता था। तो अभी एटलीस्ट सिंस वी आर इन अ बेटर पोजिशन, बम बम भोले के आशीर्वाद से वी कैन सेलिब्रेट बर्थडे, सो व्हाई नॉट। अच्छा, अगर आप उन्हें विशेष देना चाहें तो आप क्या विश करेंगे उसके? मैं उनके लिए यही विश करूँगा कि वो जैसी हैं वैसे ही रहें, वो जैसी हैं बहुत क्यूट हैं, वो एज ही ना हो, सिर्फ बर्थडे बढ़ते रहें और वो जैसी हैं वैसे ही क्यूट दिखती रहें बस। आई हैव एंड एनी वुमन, ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू विश अ वुमन, विश दिस फॉर हर, शी विल ऑलवेज बी हैप्पी। वैसे है बर्थडे एक खास मौका भी होता है गिफ्ट वगैरह देने के लिए, अगर आप उन्हें गिफ्ट देंगे तो क्या देना चाहेंगे उन्हें? मैं उन्हें एक ऐसी क्रीम देना चाहूँगा जो हर सुबह लगाएं और वो सुंदर, हमेशा सुंदर ही दिखती रहे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर किसी लड़की को ये गिफ्ट मिल जाए ना तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। Every woman wants to look young and beautiful, और उनका हक भी होता है। ऐसे apart from this, आपके work front में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं आप? Work front में मैंने एक मराठी फिल्म अभी complete की, एक schedule बचा है, गाना बचा है उसका जो complete हो जाएगा। इस वजह से मैं काफ़ी लोगों से मिल नहीं पाया, मेरे contestants से भी मिल नहीं पाया, क्योंकि बाहर निकलते ही मैंने फिल्म शुरू कर दी। I was supposed to go in as a wild card for Bigg Boss, पर मुझे कोविड हो गया, क्वारंटीन में कोविड हो गया, so I couldn't go in. उसके बाद फिल्म शुरू हो गई, अब थोड़ा मौका मिला है तो आप सबसे मिलूंगा और काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूँगा अपने फैंस को जो हमेशा कहता हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ, आपके लिए हूँ, जब तक हूँ आप सबको एंटरटेन करता रहूँ। बोल बाप, very happy that it's Jasleen's birthday and Shimo has completed 6 years and you know they both are together, such a good partners, and you know they are growing so good in life, so I'm very happy for Shimo and very happy for Jasleen's birthday and many more years for her to come. बस लर्निंग एंड गोइंग ऑन या नमिता मैम, सेम या इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एवरी डे इज अ न्यू डे यार, एंड या एंड यू लर्न, कपल ऑफ एक्टर्स आर आल्सो गुड फ्रेंड्स, सो अभी तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, एंड वी आर प्राउड दैट इट्स बीन 6 इयर्स नाउ एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। ट्रू। एंड मालिका मैम, आपका एक्सपीरियंस के साथ कैसा रहा है सो फार एंड यू नो व्हाट मोर आर यू? It's very good experience, जो मुझे चाहिए they always provide and you know it's more of a friendly zone, it's not like you know they are PR and I'm working with them. ये तो reality कोई थोड़ी बताएगा यार। True, but it's like you know we are working like friends and they are doing such a great job for me and for other actors as well and they are very good in their job, they are very you know I have noticed that a lot of PRs they don't respond to their actors instantly but they are like so active, whenever I message they immediately respond, which is really nice and they are really good in their work. Thank you.